रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ सैफ मलुक और आप देख रहे हैं जॉब्स इन्फो डैश पाकिस्तान। मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही इंतहाई अहम जो जॉब्स हैं उनके बारे में है। और ये जॉब्स जो है लैंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है। लैंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में इस्टेब्लिश है और इसका जो मेन काम होता है वो रिसर्च बेस्ड है। मुख्तलिफ रिफॉर्म्स जो है लॉ में तजवीज़ करते हैं ये। इसका चेयरमैन चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं। तो इसमें जो जॉब्स आई हैं मुख्तलिफ उनके बारे में बात करते हैं। ये आपके सामने ljcp.gov.pk के मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये आपको सामने कुछ इस तरह ओपन हो जाएगी वेबसाइट। तो आपका तरीका ये है कि यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसमें ऑप्शंस पे जॉब्स एंड टेंडर के एक नीचे टैब बना हुआ, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो नीचे एक टैब का अलग से वो है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी। अभी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हैं सेक्शन ऑफिसर BPS 17 की एक पोस्ट है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज की हैं, स्टेनो टाइपिस्ट और नैब कासिद की जॉब्स हैं इसमें। तो आइए चलते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। तो ये लिखा हुआ प्लीज़ क्लिक ऑन टू व्यू डिटेल्स, ये आपके सामने आ गया है। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट आप इस तरह ओपन हो जाएगी आपके पास। तो ये कुछ लैंग वैकेंट पोस्ट हैं जस्ट लैंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे सैलरी पैकेज जो है बहुत ही हैंडसम है। BPS 17 की अगर आप सैलरी की बात करें तो वो 6 फिगर सैलरी होगी। और ये पहले जो पोस्ट है वो भी BPS 17 की है, सेक्शन ऑफिसर एडमिन की। एक ही वैकेंसी है, ये मेरिट की है, पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है इसके लिए। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसने गवर्नमेंट सर्विस जो है BPS 11 से 17 तक की हो और 3 साल तक करता रहा और उसके पास मास्टर डिग्री हो, तो वो जो है उसमें करने के लिए एलिजिबल है। और इसका जो डिपार्टमेंट भी उन्होंने कुछ लिखे हैं, फेडरल सेक्रेटेरिएट में हो, मिनिस्ट्रीज़ में हो, डिवीजन्स में हो, टैरिफ डिपार्टमेंट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट्स में। तो पर्सनली अल्टीमेटली इसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लोग होंगे उनको प्रेफरेंस दी जा सकती है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ये पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 16 की जॉब है, एक ही पोस्ट है, पंजाब का ये कोटा है। चूंकि ये ला से मुतलक डिपार्टमेंट लैंड जस्टिस कमीशन इसका नाम है, तो इसके लिए कंप्यूटर के लिए जो उन्होंने रखा रखा है कि LLB डिग्री हो विद सफिशेंट कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है एक्सपीरियंस हो, और डाटा प्रोसेसिंग का या जो है वो बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंसेज में हो। मैक्सिमम एज लिमिट जो इसमें दी है वो है 28 साल, आप 18 से 28 साल के होने चाहिए इसके लिए एलिजिबल अप्लाई करने के। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है APS की, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्टर BPS 16 की। 3 पोस्टें हैं ये। अगर मेरिट की बात करें तो डिसेबल कोटा है, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान डिसेबल जो लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की जो अगर बात करें तो ये खवातीन का कोटा है। और मैं ये बता दूं कि लैंड जस्टिस कमीशन में पहले भी एक दफ़ा खवातीन की ये खाली जो पोस्ट है ये एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन कोई खातून इसमें लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो जो भी खवातीन इसमें अप्लाई करना चाहती हैं उनके लिए गोल्डन चांस है कि उसके लिए मेहनत करें और इसमें अप्लाई करें। बलूचिस्तान का एक कोटा है। तो अगर बात करें इसकी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन है और एज़ यूजल 100 वर्ड पर मिनट और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स रखी गई। नेक्स्ट अगर बात करें स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की, स्टैंडर्ड टाइपिस्ट BPS 14 की पोस्ट। स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की अगर सैलरी की हम बात करें तो स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की जो वहाँ पे अभी सैलरी होगी वो 80+ है, 80+ वहाँ पे सैलरी है स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की। और ये 2 वैकेंसीज हैं, एक पंजाब की और एक सिंध रूरल की। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एज़ पर अदर डिपार्टमेंट्स जो है इंटरमीडिएट और शॉर्टनर और टाइपिंग जो है 40 वर्ड टाइपिंग वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली। और एज लिमिट जो है इसमें वो है 25 ईयर्स। नैब कासिद जो है लोकल बेस्ड पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, प्राइमरी पास, इसकी रिक्वायरमेंट है 25 साल, इसकी ओवर एज लिमिट रखी गई। अगर टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो आपने अप्लाई कैसे करना है कि LJCP की वेबसाइट है ljcp.gov.pk, वहाँ पे एक आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके आपने 15 दिन के अंदर अंदर भेजना है। तो आप इसकी जो लास्ट डेट बनती है वो है 7 सितंबर 2020, अभी ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है उसकी 7 तारीख है। और कैंडिडेट्स गवर्नमेंट में जो है वो प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, जो रिक्वायजिशन क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनको इंटरटेन नहीं किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह है। एज रिलेक्शन विल बी गिवन एज अंडर रूल्स, अंडर रूल्स जो है एज रिलेक्सेशन देंगे। तो आप जो ये है अंडर रूल्स ये है कि 5 साल की रिलेक्सेशन देते हैं। तो SO के लिए आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो है 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, APS के लिए जो है वो भी 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइपिस्ट के लिए जो है वो 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, नैब कासिद के लिए जो वो भी 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं LJCP की वेबसाइट पर दोबारा और आप देखते हैं कि जी फॉर्म कहाँ पे है। तो ये देखिए डिटेल्स में नीचे सेकंड नंबर पे जो है फॉर्म का है, तो क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देने। ये चूँकि मैंने पहले डाउनलोड किया था इस वजह से ये मेरे पास इस तरह ओपन हो रहा है। अच्छा जी, ये आपके सामने फॉर्म है, बहुत ही सिंपल फॉर्म,
आपने इसमें अप्लाई कर देना है, सीएनसी कॉपी साथ लगा देनी है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपना लगा देना है, और इसको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से और अपनी डिटेल्स के हिसाब से फिल करके उसको भेज देना है डिप्टी सेक्रेटरी एडमन, लैंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड फ्लोर, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, इस्लामाबाद। इसको आप भेजेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म मैंने खोला हुआ है, लेकिन ये कोशिश करें कि जो क्वालिफाई करते हैं वही सिर्फ अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पोस्टें हैं, सैलरी के हिसाब से जो लोग कहते हैं कि अच्छी सैलरी हो तो उसमें इनको ज़रूर इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहिए, इनकी जो सैलरी है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये आपके सामने है, एप्लीकेशन कहाँ भेजनी वो मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ। डिप्टी सेक्रेटरी एडमन, लैंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, ब्लॉक 1, सेकंड फ्लोर, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद। ये आपने भेजनी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2020। तो गुड लक, ऐसे दोस्त जो अप्लाई करेंगे उनके लिए सबको गुड लक है मेरी तरफ से, और दोस्तों आपसे गुजारिश, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू वेरी मच।